चंद्रयान 3 के सक्सेस और आदित्य L1 के लॉन्च के बाद से सारे वेस्टर्न नेशंस एकदम से दोगले हो गए। एक तरफ तो कुछ नेशंस जैसे USA चेहरे पर हमारे लॉन्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ नेशंस हमारे अगेंस्ट मीडिया प्रोपोगंडा चला रहे। नेवर्थलेस ये सारे कंट्रीज एक चीज पर बखूबी यूनाइट होते हैं, इंडिया की हार के इंतजार में। और यही वजह है कि कुछ नेशंस की वजह से इंडिया का चंद्रयान मिशन जो 2023 को सक्सेसफुल हुआ वो आज से 30 साल पहले ही हो सकता था। एंड नो आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, क्योंकि हमारे पास इस बात को प्रूफ करने के लिए CIA और हमारे खुद के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट लिंक्स हैं। एंड नॉट जस्ट USA, हमारे पास चाइना के भी डायरेक्ट लिंक्स हैं, ये प्रूफ करते हुए कि चाइना ने इंडिया के इन्यूमरस स्पेस मिशंस पर साइबर अटैक्स करके उन्हें स्टॉप करवाया। अब गाइस ये सारी बातें एक आम भारतीय नागरिक को मालूम होना चाहिए, ताकि आप लोग को भी ये मालूम पड़े कि इसरो ने इस मिशन को किस ऑड्स के अगेंस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद आवर फ्रेंड अमेरिकाज CIA's रोल इन डीलेइंग चंद्रयान। देखो आज के तारीख में जिस CE-20 रॉकेट से चंद्रयान 3 ने टेक ऑफ किया है वो क्रायोजेनिक इंजन से बना हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंजन लिक्विड ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर और लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करता है। ये दोनों भी फ्यूल्स लाइटर इन नेचर होने की वजह से कम फ्यूल में हैवी पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं, जिससे कि रॉकेट्स लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली यही कैपेबिलिटीज इंडिया को ना मिले, इसके लिए 1992 में USA ने सबसे पहले हम पर सैंक्शंस इंपोज किए। अब इसके पीछे का मकसद क्या था आपको बहुत ही जल्द समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि ऐसे वक्त में रशिया ने हमारा ज्यादा साथ दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया था। सो एनीवे कंटिन्यू करते USA का कारनामा। सो सैंक्शंस लगाने के बाद भी काम नहीं बना, क्योंकि इंडिया तो रुकने वालों में से नहीं था, तो USA ने अपने CIA को एक कोवर्ट ऑपरेशन में बिठाया ये मेक श्योर करने के लिए कि हमें वो इंजन्स किसी दूसरे कंट्री से भी ना मिले। अब जस्ट वेट ओवर हियर, मैं डिटेल में प्रूफ के साथ बताता हूं। तो हुआ कुछ यूं कि इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन्स को इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया था। साल 1988 में इंडिया को US ने अपने क्रायोजेनिक इंजन्स बनाने वाली कंपनी जनरल डायनामिक्स के थ्रू RL-10 नाम की क्रायोजेनिक इंजन को परचेस करने की एक डील ऑफर की थी। बट ये डील 6617 करोड़ रुपीज की थी, जिसमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल नहीं था। ऑल्सो उसी साल फ्रांस की भी एक कंपनी एरियान स्पेस ने भी हमें HM-7 क्रायोजेनिक इंजन का ऑफर किया था विद लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन इस डील के लिए तो उन्होंने 9951 करोड़ रुपीज डिमांड किए थे। फॉर्चुनेटली अगले ही साल 1989 में रशिया की ग्लैव कॉस्मोस कंपनी, जो कि रॉस कॉस्मोस यानी रशियन स्पेस एजेंसी की कमर्शियल विंग है, उसने इंडिया को अपना 11D56 नाम का एक क्रायोजेनिक इंजन सिर्फ और सिर्फ, कैन यू बिलीव इट, 240 करोड़ रुपीस में दिया, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब ऑब्वियसली बात है ये ऑफर इंडिया के लिए इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट डील थी, हेंस इंडिया ने इस डील को तुरंत डन कर दिया। बट एज यू माइट गेस इट, USA वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस, और यहां पर डील डन होते ही USA ने अपना डर्टी गेम प्लान अगेंस्ट इंडिया अंजाम देना शुरू कर दिया। अब फ्रेंड्स वो गेम प्लान एग्जैक्टली क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोडिंग इन्वेडर्स के एक ऐसे कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आपको 6 महीनों के अंदर 7.5 LPA से 15 LPA तक का जॉब लग सकता है। अब ये हाई पैकेजेस के जॉब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि देखो कोई भी कंपनी का ग्रोथ उसके टॉप लीडर्स द्वारा लिए गए डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन ये लीडर्स डिसीजंस लेते कैसे हैं? वेल, डेटा एनालिस्ट द्वारा प्रोसेस किए हुए डेटा से। आज पूरी दुनिया हर एक फील्ड हर एक कंपनी डेटा ड्रिवन हो चुकी है, और इसीलिए आज के तारीख में डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट मोस्ट इन डिमांड टेक रोल्स 2023 में सबसे टॉप पर है, और अन्य कंपनीज में इन जॉब्स की वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता या आप किसी और फील्ड से हो तो भी डोंट वरी, कोडिंग इन्वेडर्स आप जैसे बिगिनर्स के लिए ही है, जहां पर आपको SQL और पाइथन जैसे सीमिंगली डिफिकल्ट लैंग्वेजेस को इजी तरीके से सिखाया जाएगा, वो भी डायरेक्टली डेलॉयट, इंफोसिस, ZTV जैसे कंपनीज के वर्किंग प्रोफेशनल से। कोडिंग इन्वेडर्स के कोर्सेज का टेन्योर है 6.5 months, जिसमें आपको हर हफ्ते 30 से ज्यादा बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, कोडिंग इन्वेडर्स के 100% जॉब असिस्टेंस की वजह से आपका एक हाई पेइंग जॉब लैंड करने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट इन्होंने अब तक 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 7.5 LPA से 15 लाख पर एनम की पैकेजेस वाली जॉब दिलाई है। सो गो किक स्टार्ट योर करियर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज माई कूपन कोड GET27 और पावर 27% डिस्काउंट
अकाउंट डेटा एनालिटिक्स के कोर्स पर। अब चलो समझते हैं कि यूएसए ने कैसे CIA का इस्तेमाल करके इसरो के प्रोजेक्ट्स को रुकाने की कोशिश की। सो यूएस की बात नहीं मानने की वजह से उसने 1992 में ही इंडिया के इसरो और रशिया के ग्लैफ कॉस्मोस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, वो भी ये कहकर कि इंडिया और न्यूली फॉर्म्ड रशिया ये दोनों MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का मेंबर नहीं है और इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन जैसी डील नहीं कर सकते। सी द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी, जब इंडिया यूएसए से क्रायोजेनिक इंजन ले रहा था तब ये MTCR का वायलेशन नहीं था, बट जैसे ही रशिया पिक्चर में आ गया और हमने उससे डील की तब हम पर सैंक्शंस लगा दिए। ऑल्सो इंटरेस्टिंगली उस टाइम पर तो 1992 में ही करंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एज अ सेनेट यानी कि वहां के MP ने रशिया को यह कहते हुए धमकी दी थी कि रशिया जो डिसइंटीग्रेशन के बाद से यूएसए की एड पे चल रहा है वो इंडिया से ऐसी कोई डील ना करे जिससे कि हमें रशिया का एड बंद करना पड़ जाए। नाउ आई नो क्लियरली दिख रहा था कि यूएसए अपनी पावर का यहां पर गलत इस्तेमाल कर रहा था जैसे यूएसए अक्सर करते रहता है, बट इतने सब कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी हमने हार नहीं मानी। उसी साल 1992 में इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन का सपना पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो यंग साइंटिस्ट डायरेक्टर ऑफ द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नंबी नारायण जी और उनके डेप्यूटी डी शशि कुमारन जी ने ले ली। उन्होंने सीक्रेटली रशिया से ये डील की और क्रायोजेनिक इंजन को इंडिया लेकर आने का फैसला किया। अब क्योंकि रशिया की ग्लैफ कॉस्मोस और इंडिया की इसरो के ऊपर ऑलरेडी यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे, इसीलिए नंबी नारायण जी ने एक नया मूव चला। उन्होंने प्राइवेटली बिना इसरो का मेंशन किए क्रायोजेनिक इंजन्स की ऑर्डर प्लेस कर दी। इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट URAL एयरलाइन कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर रशिया से क्रायोजेनिक इंजन इंडिया में डिलीवर करवाया। एंड नाउ इन इंजन्स का इंडिया में आना CIA के लिए एक मेजर सेटबैक था। स्टेट्समैन न्यूज के सीनियर और रिनाउंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सैम राजप्पा ने इस पूरे केस को लेकर एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि CIA ने अपने इंडिया में स्टेशन कोवर्ट अंडरकवर CIA ऑफिसर टिमोथी लॉन्ग और डिप्यूटी ऑफिसर सूजन ब्राउन के थ्रू IB को ऑर्डर्स दिए कि नंबी नारायण जी और शशि कुमारन जी को फंसा दिया जाए। तो साल 1994 में केरला पुलिस ने नंबी नारायण जी और शशि कुमारन जी दोनों को मालदीवियन विमेन मरियम रशीदा और फौजिया हसन के हाथों रशियन क्रायोजेनिक इंजन के ब्लूप्रिंट को पाकिस्तान को बेचने के लिए अरेस्ट किया। इस आर्टिकल के मुताबिक पुलिस ने उन दोनों साइंटिस्ट और इन फॉरेनर्स को यह कहकर कनेक्ट किया कि 23rd और 24th सितंबर 1994 को नंबी नारायण जी और शशि कुमारन जी इसरो से लीव लेकर इन दोनों फॉरेनर लेडीज के साथ मिले और उनको लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर दिखाया और फिर वहां से वो लोग अरुविकारा डैम पिकनिक पर भी गए। नाउ ये बात एक कंप्लीट झूठ थी क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दोनों साइंटिस्ट उस वक्त उस दिन ड्यूटी पर थे और असल में ये पूरा मुद्दा ये था कि रशीदा और फौजिया को इसमें इसीलिए फंसाया गया था क्योंकि जब वो वीजा रिन्यूअल के लिए फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गए थे तभी उन्होंने वहां के एक इंस्पेक्टर विजयन के सेक्सुअल फेवर्स को मना कर दिया था और इसीलिए इंस्पेक्टर विजयन ने उन्हें इलीगल ओवरस्टे के केस में फंसा दिया। और जब ये केस चल ही रहा था तब इंस्पेक्टर विजयन को IB से ऑर्डर्स मिले कि नंबी नारायण और शशि कुमारन को इन मालदीवियन लेडीज के साथ कनेक्ट करके बता दो। तो द स्टेट्समैन न्यूज के मुताबिक IB को साइंटिस्टों को फंसाने के ऑर्डर्स CIA ने दिए थे और इसके लिए उन्होंने दो बड़े ऑफिसर्स मेसर्स धार और सहगल को हेवीली ब्राइब किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस काम के लिए दोनों ऑफिसर्स को दिल्ली के एम्बेसडर होटल के बाहर पैसों से भरे पैकेट्स दिए जाते थे और रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि साइंटिस्ट के खिलाफ प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए IB ऑफिसर सहगल ने CIA इंडिया चीफ टिमोथी लॉन्ग के साथ कई सारे सीक्रेट मीटिंग्स भी कंडक्ट किए थे। तो बेसिकली केरला पुलिस ने IB के ऑर्डर्स पर साइंटिस्ट और मालदीवियन लेडीज को फंसाया था और IB ने CIA के कहने पर पूरा केस चलाने के ऑर्डर्स केरला पुलिस को दे दिए और ये सब तब सामने आया जब इस पूरे केस में CBI शामिल हुई। एंड इंटरेस्टिंगली CBI भी इसमें तब शामिल हुई जब केरला पुलिस ने FIR में ये लिखा कि ये सीक्रेट्स बेचने के लिए नंबी नारायण जी को $50,000 के चंद्रशेखर के थ्रू मिले। नाउ के चंद्रशेखर जी भी एक स्पेस साइंटिस्ट थे प्लस उनके बिजनेस कनेक्शन प्रभाकर राव के साथ थे जो उस वक्त के PM PV नरसिम्हा राव के बेटे थे। ये नाम आते ही केरला पुलिस के DGP ने ये केस CBI को ट्रांसफर किया और जैसे कि मैंने बताया CBI के इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली सामने आया कि नंबी जी और शशि कुमारन जी निर्दोष थे और ये पूरा ट्रैप CIA ने IB के थ्रू लगाया था। एंड एट लास्ट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये घोषित किया नंबी नारायण
डी शशि कुमारन और बाकी लोग बिल्कुल इनोसेंट थे। इनफैक्ट फॉर्मर एससी जज डी के जैन की चेयरमैनशिप में बनी कमिटी ने तो हमारे साइंटिस्टों को कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी कहा, पर अनफॉर्चुनेटली द डैमेज टू रेपुटेशन वॉज डन। CIA के इस मूव से दोनों साइंटिस्ट को थर्ड डिग्री पुलिस टॉर्चर और 6 महीने जेल में भी बिताना पड़ा और इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन बनाने का सपना डिरेल हो गया। इंडिया एक बड़े समय के लिए अपने हेवी पेलोड्स को डिलीवर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी पर डिपेंडेंट रहा अंटिल 2017, जब इंडिया ने अपना इंडिजिनस GSLV Mark III क्रायोजेनिक रॉकेट बना दिया। लेकिन फ्रेंड्स, इसरो पर यह हुआ इकलौता अटैक नहीं है, चाइना भी इसरो को काफी समय से टारगेट कर रहा है। आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 लॉन्च होने के कुछ दिन पहले ही इसरो के सिस्टम्स को एक फिशिंग वायरस से लोडेड मेल आया और उस मेल को कुछ एम्प्लॉइज ने गलती से ओपन कर लिया। इससे उस वायरस ने कुछ समय के लिए इसरो के सिस्टम्स का कंट्रोल हैकर्स के हाथों भेज दिया। अब वैसे तो ये वायरस नॉर्थ कोरिया के स्टेट स्पॉन्सर्ड लजारस हैकर्स ने भेजा था, बट एज वी ऑल नो नॉर्थ कोरिया को चाइना का ही एक पपेट स्टेट कहा जाता है और इसीलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सब के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। नाउ कमिंग फ्रॉम इसरो इटसेल्फ, इस साइबर अटैक को उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस अटैक से उनका कोई भी डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और चंद्रयान 2 के फेलियर में इसका कोई हाथ नहीं था। बट फिर भी कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि बिल्कुल हो सकता है कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे कहीं ना कहीं इस वायरस का हाथ हो सकता है। पर चलो, ये अटैक तो फिर भी पोटेंशियली चाइना का एक इनडायरेक्ट अटैक था। पर हमारे इसरो के कमर्शियल स्पेस कंपनीज एंट्रिक्स और आयन स्पेस रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स पर तो चाइना ने डायरेक्ट साइबर अटैक्स किए। सो हुआ ये, जुलाई 2015 को एंट्रिक्स का वेबसाइट हैक हो गया और उस पर अचानक से चाइनीज एडवर्टाइजमेंट्स प्ले होने लग गए। हालांकि इंडियन साइबर एक्सपर्ट्स ने वेबसाइट को हाफ डे में ही रिकवर कर लिया, पर ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात थी। ये इंसिडेंट एंट्रिक्स के 5 ब्रिटिश सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के जस्ट 2 दिन के बाद ही हुआ, जो कि लोगों के सामने एक रेप्यूटेशन लॉस क्रिएट कर रहा था, क्योंकि एक तरफ इसरो बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दे रहा है तो वहीं दूसरे तरफ इसरो की खुद की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और इससे फॉरेन कंट्रीज का हमारे ऊपर ट्रस्ट डगमगाने लगता है। TOI के मुताबिक सिमिलर अटैक्स मार्च 2023 को एक गुजरात बेस्ड आयन स्पेस स्टार्टअप पर भी हुए। ये स्टार्टअप रियूजेबल रॉकेट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स पर काम करता है, पर मार्च में उनके पूरे सिस्टम को हैकर्स ने अपने पास ले लिया और कंट्रोल वापस देने के लिए हैकर्स ने कंपनी से 20 बिटकॉइंस मांगे थे, जिस वक्त एक बिटकॉइन की प्राइस 40 लाख रुपीस थी। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज सिर्फ इंडिया की स्पेस एजेंसीज के पीछे नहीं पड़े, उन्होंने और यहाँ पर स्पेसिफिकली CIA ने तो इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट बनने से भी रोकने की कोशिश की थी। सो जून 1945 की बात है, जब फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को शुरू किया था। इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने एटॉमिक रिसर्च कमिटी बनाई थी जो इंडिया के लिए एटॉमिक रिसर्चेस करने वाली थी। बट इंडिया आजाद होते ही, यानी कि 26 अगस्त 1947 को PM नेहरू ने इस एटॉमिक कमिटी को ऑफिशियल स्टेटस दिया। उसके बाद उसे रीनेम करके एटॉमिक एनर्जी कमीशन नाम दे दिया गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर होमी भाभा बने। इस एटॉमिक कमीशन के 3 मेजर काम थे, पहला एटॉमिक एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लोर करना, दूसरा एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए मटेरियल जमा करने के आइडियाज और वेस्ट सजेस्ट करना, और फाइनली तीसरा ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट बनाना जो सिमिलर काम कर रहे हैं। नाउ PM नेहरू को लेकर एक मिथ काफी पॉपुलर है कि वो न्यूक्लियर वेपन के सख्त खिलाफ थे, बट हमारे रिसर्च में ये पता चला कि PM नेहरू ने 1948 में डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह को लेटर लिखकर ये बताया था कि फ्यूचर उन्हीं कंट्रीज का है जिनके पास एटॉमिक पावर है और इसके लिए हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी सह लेंगे। प्लस उसी साल नेहरू जी ने लोकसभा स्पीचेस में भी कहा था कि इंडिया न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है। साइमल्टेनियसली डॉक्टर भाभा अपने बॉम्ब बनाने के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे थे। उन्होंने एटॉमिक कमीशन के लिए न्यूक्लियर सेक्टर में एक्सपर्ट साइंटिस्ट को टीम में हायर करना शुरू कर दिया था और इसमें तो वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने नेहरू से कहकर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहाइमर को तक इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की थी। एक्चुअली उस वक्त US ने उन पर स्पाइंग के एलिगेशंस लगाए थे, बट ओपेनहाइमर ने US के डर की वजह से ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। पर इसके बावजूद भी भाभा ने हमारे एटॉमिक टीम में 2 बड़ी रिक्रूटमेंट्स की। पहली VK इयाकी, जो फ्रेंच एटॉमिक बॉम्ब फादर बर्ट्रेंड गोल्डस्मिथ के अंडर काम करते थे, और दूसरी
कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट बर्नर्ड पीटर्स की, जो ओपेनहाइमर के स्टूडेंट रह चुके थे और उन्होंने यूएस के न्यूक्लियर प्रोग्राम मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी काम किया था। इसके बाद हमारी एटॉमिक टीम इस रिसर्च में जैसे ही लगी तो 1958 में पीएम नेहरू ने ऑफिशियली एक सीक्रेट ऑपरेशन प्रोजेक्ट फीनिक्स लॉन्च किया, जिसके तहत हमने सिविल एटॉमिक एनर्जी प्लांट के लिए आए प्लूटोनियम में से थोड़ा प्लूटोनियम बॉम्ब बनाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। नाउ दिस वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर मिशन। इनफैक्ट इसके ठीक एक साल बाद डॉक्टर होमी भाभा ने ओपनली ये कह दिया था कि इंडिया अब खुद का एटॉमिक बॉम्ब और एटॉमिक वेपन बना सकता है, वो भी बिना किसी बाहरी देश की मदद के। नाउ अगेन द यूएसए वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस, एंड सो इस अनाउंसमेंट के बाद CIA ने इंडिया में कोवर्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया। और ये बात हमें 1961 के CIA के कॉन्फिडेंशियल लेटर में ही मिली है। उस लेटर में CIA ने क्लियरली लिखा है कि इंडिया इज लाइकली टू प्रोड्यूस एटॉमिक एनर्जी, और इसी को रोकने के लिए एक हाई प्रायोरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इस पूरे मिशन की अपडेट्स यूएस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल्ली में स्थित यूएस एम्बेसी को दी गई थी। इनफैक्ट CIA ऑपरेशंस डायरेक्टर रॉबर्ट क्राउली ने ओपनली एक बुक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया है कि CIA ने डॉक्टर होमी भाभा को रोकने के लिए धमकियां देना शुरू कर दिया था, और इन धमकियों के बाद भी डॉक्टर भाभा ने अपना काम शुरू रखा। पर अनफॉर्चुनेटली इसी बीच मई 1964 को पीएम नेहरू की मौत हो गई और नए पीएम बने श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो गांधीयन फिलॉसफी को मानते थे। और इसीलिए यहाँ पर शास्त्री जी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन 1964 में डॉक्टर भाभा ने सीधे ऑल इंडिया रेडियो पर यह कह दिया कि इंडिया अब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर सकता है, वो भी अगले 18 महीने में, और इसके लिए इंडिया को बस $10 मिलियन का खर्चा होगा। इससे शास्त्री जी पर पब्लिक और ऑपोजिशन का प्रेशर बढ़ने लगा। इसी प्रेशर में उन्होंने 1965 में इंडिया का पहला प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट मुंबई के नजदीक ट्रॉम्बे एरिया में इनॉग्रेट किया, और उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराने वाला एक ग्रुप SNEPP भी एस्टैब्लिश किया। इसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर इंडिया। फरवरी 1965 में भाभा ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को क्लियरली कहा कि इंडिया के इस प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट के फुल्ली फंक्शनल होने के बाद, यानी कि 5 साल में, इंडिया हर साल 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुनने के बाद भाभा और शास्त्री जी CIA के लिए इमीडिएट एग्जीक्यूट करने वाले टारगेट्स बन गए। CIA ऑपरेशंस डायरेक्टर रॉबर्ट क्राउली ने उसी जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस को दिए इंटरव्यू के कॉन्वर्जेशन नंबर 22 में ये भी क्लियरली कहा कि हमने 24 जनवरी 1966 में भाभा जिस एयर इंडिया प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे उसमें बॉम्ब रखकर उस प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और ठीक 13 दिन बाद ताशकेंट उज्बेकिस्तान में पीस ट्रीटी साइन करने गए पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी CIA ने ही मार डाला। एंड यू नो ऑल व्हेन इंडिया वाज सो क्लोज टू इट्स न्यूक्लियर गोल्स, इससे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 साल के लिए डिले हो गया। और फिर शास्त्री जी के डेथ के बाद पीएम बनी इंदिरा गांधी जी, और फॉर्चुनेटली उन्होंने इस एटॉमिक कमीशन को काफी बढ़ावा दिया। उनके प्रीमियरशिप में 18 मई 1974 में इंडिया ने पोखरण 1 टेस्ट, यानी कि पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोर करा के खुद को न्यूक्लियर स्टेट बुलाने की महिमा ले ली, और आज इंडिया गर्व से कह सकता है कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री है। पर इसके बावजूद आज भी ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज रुके नहीं है, वो कैसे भी करके इंडिया की साइंटिफिक डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। 2015 तक 11 न्यूक्लियर साइंटिस्टों की सिर्फ 4 सालों में सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है, और सस्पिशियस इसीलिए क्योंकि मोस्टली सारे साइंटिस्ट टॉप पोजीशंस के थे और उन सब की काफी अननेचुरल डेथ हुई है। इंडिया के पहले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहांत के 2 चीफ इंजीनियर्स को तो पेंडुरथी रेलवे स्टेशन के ट्रैक्स पर किसी ने मारकर फेंक दिया था। BARC के मैकेनिकल इंजीनियर महादेवन पद्मनाभन अय्यर अपने घर पर डेड मिले, पुलिस को पहले सुसाइड लगा बट PM रिपोर्ट ने उनकी डेथ को मर्डर बताया। काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर L महालिंगम एक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले पर कभी भी वापस नहीं आए। 5 दिनों बाद उनकी डेड बॉडी पास की नदी में डीकम्पोज होती हुई हालत में मिली, जिसकी पहचान कराने के लिए DNA टेस्ट करवाना पड़ा। और ऐसे कई अटैक्स इसरो और BARC के साइंटिस्टों पर लगातार हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, विल यू बिलीव मी इफ आई टेल यू कि CIA 2018 तक इंडिया के हर सीक्रेट डिफेंस और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस सुन रहा था। इस बात का खुलासा तो खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने किया। सो बात कुछ ऐसी है, इंडिया और बाकी के 120 वर्ल्ड कंट्रीज अपने सीक्रेट डिफेंस और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस करने के लिए सिर्फ एक जर्मन कंपनी क्रिप्टो AG के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते थे।
लेकिन इसी क्रिप्टो एजी कंपनी को CIA और जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेशन रूबीकॉन के अंडर सीक्रेटली ओन करती थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू के समय से ये कंपनी सीक्रेट कोड डिवाइसेस बनाती आ रही है, जिनमें टैम्परिंग करके क्लाइंट कंट्रीज को बेचा जाता था, जिससे उनके सीक्रेट मैसेजेस को CIA आसानी से पढ़ सकती थी। लेकिन इसके बाद इवेंचुअली क्रिप्टो एजी मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाने लग गए और मार्केट में इस कंपनी ने एक ट्रस्टवर्दी पोजीशन बना लिया। इतना ट्रस्ट गेन कर लिया कि ऑलमोस्ट दुनिया के आधे देश इनके ही क्रिप्टो डिवाइसेस को यूज करते थे, नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग कि अभी तक इसका कंट्रोल CIA और जर्मन इंटेलिजेंस के हाथ में है। नतीजा, इसकी मदद से CIA ने कई मिशंस पूरे किए, जैसे 1979 में जब ईरानियन मिलिटेंट्स ने US एम्बेसी से 52 अमेरिकन्स को हॉस्टेजेस बना लिया था, तब उनके सारे कम्युनिकेशन और मूवमेंट अपडेट्स US को क्रिप्टो डिवाइसेस से ही पता चल रहा था। सिमिलरली जब 1982 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच द फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर वॉर चल रहा था, उस वक्त भी CIA ने UK को अर्जेंटीना के बारे में हर क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी थी। सो इमेजिन ऐसे ही कितना सीक्रेट इंफॉर्मेशन हर कंट्री के बारे में USA सुन रहा था। और फिर इसका भरपूर इस्तेमाल करने के बाद फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया 2018 में US ने इस कंपनी को बेच दिया विदाउट गिविंग प्रॉपर reasons। लेकिन हाँ, दिस इज अनडिनाइबल कि तब तक ये कंपनी CIA के इंटेलिजेंस गैदरिंग में एक बैकबोन थी। और अभी भी क्या सबूत है कि US ने इसको जो बेचा उसके बाद उस डेटा पर US का जरा भी कंट्रोल नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है कि US की कोई चाल है दुनिया के आंखों में धूल झोंकने की। सो फ्रेंड्स, यहां पर मेरा कहना बिल्कुल सिंपल है, ये कंट्रीज इंडिया के साइंटिफिक डेवलपमेंट के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि ये इंडिया को अपने टेक्नोलॉजी अपने साइंस के पीछे डिपेंडेंट रखना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। सो बेसिकली इन लोग इंडिया को कंज्यूमर बनाए रखना चाहते हैं बिकॉज इसमें इनका फायदा है। बट ये क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया को कंज्यूमर नहीं रहना है बल्कि इंडिया को इनोवेटर बनना है। और ये कंट्रीज इंडिया का पोटेंशियल जानती है क्योंकि यहां पर जिस स्पीड से साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ये क्लियरली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक चैलेंज है। और टॉप कंट्रीज कभी नहीं चाहते कि उनके हाथ से ये टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस छूटे। अब इंडिया जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो कैसे टेक्नोलॉजी में तेज गति से एडवांस कर रही है, उसके एग्जाम्पल के लिए आप US के साथ ही कंपेयर कर लो। एस्ट्रा रॉकेट US का जो पिछले साल में 2 बार फेल हुआ और उसकी वजह से NASA अपने सैटेलाइट्स ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंचा पाए, वहीं इंडिया ने मून के ऐसे साइट को टैप कर लिया जहां पर आज तक कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। अब इससे इसरो कहीं ना कहीं अमेरिकन स्पेस कंपनीज का बिजनेस खाने लगेगा और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों में इसरो ने जापान, इजराइल, फ्रांस जैसे 19 देशों के 117 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली लॉन्च करके एक अचीवमेंट हासिल की है। सो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल काफी सारे कंट्रीज को ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ आदित्य एलवान जैसे सन को स्टडी करने वाले मिशंस को भी अंजाम दे रहा है। ये मिशन इंडिया के लिए गेम चेंजर होने वाला है और इस पूरे मिशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके या ऊपर आई बटन पर दबा के देख सकते हो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यूज माय कूपन कोड GET27 और पावर 27% डिस्काउंट डेटा एनालिटिक्स के कोर्स पर विद जॉब असिस्टेंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर ठोकना और बने रहो अगले वीडियो के लिए। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।